बहुत शुक्रिया शान आपके वक्त का। आज यहाँ पर यॉर्कशायर में मुस्लिम एथलीट चार्टर साइन किया गया है, उस हवाले से बताइएगा कि ये मुस्लिम कम्युनिटी को इससे कैसे बेनिफिट होगा, खासतौर पर प्लेयर्स को। देखें, ये सबसे पहले तो ये जो मेहनत है ये पूरे क्लब की है। इसमें जो क्रिकेट वाला हिस्सा है वो बहुत छोटा होता है, एक बहुत बड़ा क्लब है यॉर्कशायर। इसमें बोर्ड मेंबर्स हैं, इसमें ऑब्वियसली स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें फैंस भी इंक्लूडेड हैं और पूरी ऑब्वियसली वाइडर कम्युनिटी इंक्लूडेड है, जिसमें यॉर्कशायर के जो भी इलाके हैं जो उसमें फिट आते हैं। तो बहुत बड़ा एक स्टेप है अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को उसमें इंक्लूड करना, और आई थिंक ये एक स्टेप है जिसमें क्रिकेट को बीच में होना चाहिए और हर चीज़ क्रिकेट के अराउंड वर्क करनी चाहिए। क्रिकेट वो चीज़ होनी चाहिए जो हम सबको एक साथ जोड़े, हम सबको यूनाइट करे। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है और उम्मीद करता हूँ और ऐसे बहुत सारे स्टेप्स ये काउंटी आगे लेके जाए कि पूरी वाइडर कम्युनिटी को वो एंगेज करे। टूर्नामेंट के आगाज़ में तो आपका जो क्लब है उसका आगाज़ कुछ अच्छा नहीं था, मुसलसल आप लोग मैच हारे, लेकिन फिर मुसलसल मैच जीते भी, उस बारे में क्या कहें? देखें, वही चीज़ है, हारते हैं तब भी एक चीज़, जीतते हैं तब भी एक चीज़, आपका प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। हम अपने प्रोसेस पे फोकस रख रहे हैं, रिजल्ट्स किसी दिन आपके हाथ में आएंगे। बहुत सारी क्रिकेट में चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। तो हमारा काम है अच्छी क्रिकेट खेलना, अपना पूरा एफर्ट देना, और अभी तक एक आध दिन के अलावा जो भी लड़कों ने परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छा एफर्ट दी और बहुत अच्छे फिर वो दिए, जिसकी वजह से आई थिंक ये जो पिछले मैच हैं वो हमारे फेवर में गया। ये अदर टूर्नामेंट गुजर गया लेकिन अभी भी बैटिंग लाइन उस तरह क्लिक नहीं की, डेविड मिलान के अलावा कोई भी बैटर उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप उनकी परफॉर्मेंस से तो बहुत खुश होंगे। देखें, हम लोग थोड़ा सा इसको डिफरेंटली देखते हैं। हम लोग कहते हैं कि एक बंदे को मतलब जो वो कहते हैं फोर्ट है वो उसको होल्ड करना चाहिए, बाकी सबको उसके अराउंड बैटिंग करना चाहिए। T20 में पॉसिबल नहीं होता कि दो बंदे जाके 90-90 और 80-80 करें, वरना तो फिर कोई आउट ही नहीं होगा। हम कोशिश ये करते हैं कि मिलान हो, एडम लाइट हो, तीसरे पे अगर मैं हूँ, जो भी सेट होता है वो गेम को लंबा लेके जाए, बाकी उसके अराउंड आप अगर कॉन्ट्रीब्यूशंस देखेंगे वो फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं 20-30 मैक्सिमम 40 रन की, वो आपको पूरे टूर्नामेंट में नज़र आई होंगी। जीक बहुत सारी चीज़ें जो हम और बेहतर कर सकते हैं, बट आई थिंक इस वक्त तक काफ़ी सेटिस्फाइंग रहा है जिस तरीके से हमने बैटिंग भी की और बॉलिंग भी की है। बतौर बैटर आप अपनी कारकर्दगी से कितना मुतमईन हैं? आगाज़ तो बहुत अच्छा होता है लेकिन कोई इनिंग उतनी आप अच्छी नहीं कर सके, उसकी क्या वजह? आई थिंक यही है एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है कि स्पेशली पिछले 4 इनिंग्स में 20-30-35 ये वाले स्कोर्स काफ़ी हैं और ओवर्स भी उस वक्त थोड़े मौजूद होते हैं, जिसको थोड़ा सा और बढ़ा के, रन्स बढ़ा के थोड़ा सिग्निफिकेंट होता है। एज अ बैट्समैन आप कभी भी खुश नहीं होते, बैट्समैन एक बहुत नाशुक्रिया इंसान होता है, बट कोशिश यही है कि हर मैच में जो गलतियां की हैं प्रीवियस मैचेस में उसको इम्प्रूव करूं और अपनी टीम को विनिंग कंट्रीब्यूशन एक करके दूं। बतौर बैटर तो आप मुतमईन नहीं होते लेकिन बतौर कप्तान कितना प्रेशर होता है, क्योंकि जब टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ तो ज़्यादा मैच आप नहीं जीत सके, तो कितना प्रेशर लेते हैं? देखें, वो ज़रा प्रेशर नहीं कहूँगा लेकिन एक केयर होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आई थिंक वो कभी कभार बैटिंग में भी वो होती है कि कभी कभार आप एज अ कैप्टन आप स्कोरबोर्ड को ज़्यादा देखने लग जाते हैं, सिचुएशन को ज़्यादा देखने लग जाते हैं। तो मेरे लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस है और यही चीज़ सीखनी है कि अपने आप को जब मैं बैटिंग कर रहा हूँ तो एज अ बैट्समैन रख के और बेस्ट अपनी जो भी बेस्ट एबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से परफॉर्म करूँ, और ऑब्वियसली टीम का बर्डन तो लेता रहूँगा, बट कभी कभार आपको थोड़ा सा सुकून भी चाहिए होता है बैटिंग के लिए। आखिरी सवाल, के लेस्टर के खिलाफ मैच में 78 रन पर 7 खिलाड़ी आउट थे, तो क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, फिर भी आप लोग जीत गए? मैं लिटरली जब मैं 78 पे तो 7 हो गए थे, लेकिन इवन जब 65 पे 6 थे तो मेरे अंदर एक बिलीफ था कि हम मैच जीतेंगे, क्योंकि हम लोग 11वें नंबर तक बैटिंग करते हैं। मेरा था कि किसी तरीके से हम 140 कर लें। हमारी गलती से उस मैच में ये थी कि हमने कंडीशंस असेस नहीं की थी, वो कंडीशंस बैटिंग के लिए थोड़ी मुश्किल थी, जो हमने ऑब्वियसली पूरे मैच में देखा कि अगर हम थोड़ी सी बेहतर बैटिंग करते तो हम लोग इवन बगैर इतनी विकटें लूज़ किए हुए हम लोग 160-170 कर सकते थे, लेकिन हम लोग समझे कि विकेट अच्छा है, इस पर 180-200 होना चाहिए। तो वो एक थोड़ी सी हमारी गलती थी, बट होप हमेशा थी, और जब हमारे पास जो हमने 140 का टारगेट सोचा, जब 156 आया तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि इसको हम डिफेंड कर सकते हैं। थैंक यू शान आपके वक्त का।